नहीं आप शुरू करें, आप बोले ना, आपके बाद बोलेंगे। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब अपना परिचय ये देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ। अमेठी में जन्मा, वहाँ पला बढ़ा, माँ मुंबा की नगरी आया, जहाँ बड़े उन्मुक्त तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जो भी जहाँ भी पहुँचाया मुझे। एक दो बातें जो दो मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई मेरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए। और जब मैं चौतरफा कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई 360 डिग्री है। आज जब मैं देखता हूँ कि 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं मेरे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ अमेठी से लखनऊ आने के लिए हमें 8 से 9 घंटे लग जाते थे एक ज़माने में, मैंने वो दौर देखा है। आज एक्सप्रेस वेज हैं सबसे ज़्यादा, वो भी 13। हरित क्रांति का आलम यह है, छोटा मोटा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है कि तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती में। बड़ा अच्छा लगता है। एक ही चीज़ है जहाँ हमारा उत्तर प्रदेश जीरो है, और वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। वो हम जीरो ही रहना चाहते हैं। आज अच्छा लगता है देख के आज हमारी बहन बेटियाँ अगर रात के 12 बजे भी नाइट शिफ्ट करके वापस घर आ रही हैं, तो उनको विश्वास है कि किसी भी आतताई का हाथ उनके दुपट्टे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माननीय योगी जी ने कदम कदम पर उनके वर्दी वाले भाई नियुक्त कर रखे। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। एक जो शुरुआत हुई अभी सोनू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया महाराष्ट्र से। मैं कहता हूँ ये आपने दादा साहब फाल्के ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया। 1913 में उन्होंने पहली पिक्चर बनाई राजा हरिश्चंद्र, और जो नायक चुना अपनी पिक्चर का वो राजा हरिश्चंद्र थे, जो उत्तर प्रदेश के थे, झवाकू वंश के थे। तो ये कनेक्शन तब का है, तब से आज तक ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपने हमारी अपील पे, हमारी गुहार पे, हमारी पुकार पे फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की। मैं चाहता हूँ जितने भी गतिरोध हम सबको देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं वहाँ आना, वहाँ काम करना। इन सब की अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको सुना जाए, और जितनी जल्दी हो सके पूरे पैशन के साथ फिल्म सिटी गतिमान हो और हम सब वहाँ आए और शूटिंग करें। बस मेरी इतनी सी इच्छा है, मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ओम राउत है। मैं फिल्म निर्देशक हूँ। मैं मराठी फिल्म कर चुका हूँ, इसके पहले तानाजी नाम की हिंदी फिल्म की, अब हिंदी और तेलुगु में फिल्म कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि फिल्म शूटिंग करना और ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो अभी हो ही रही है, जिस तरह सुभाष जी ने कहा, और हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार के उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने अभी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन्स है। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन्स है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग हैं जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो उन वो टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरेस यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। सो देर इज़ अ ह्यूज स्पेस टू इम्प्रूव देयर सर। एंड इफ आई लुक एट द पोस्टल कोड्स, 1631 पोस्टल कोड्स इन उत्तर प्रदेश, आउट ऑफ विच 174 ओनली हैव एक्सेस टू सिनेमास। सो मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सकें, तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन मुंबई, सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सर। जय किश राव, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ।
आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ मगर इतना कैसे खा रहे। सब में आप क्या नहीं, सब थिएटरों में मुझे लगता है बराबर है ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लाख अंदर आना शुरू कर दे थिएटर में। पिक्चर बनाएंगे स्टूडियो बनाएंगे मगर अंदर कौन आएगा, वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहें, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको, बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए सब आपको चाहते हैं, खुश रहें, कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाना तो बता दें सर। थैंक यू वेरी मच, आप सब सर जरूर स्टैंड करेगा। सुनील शेट्टी सर। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज यू नो दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफकोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडेज अब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू। प्रणाम महाराज जी। यहाँ सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की सुरक्षा की, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने, तो आपको देख के एक भगवद्गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि सज्जनों के कल्याण के लिए, और धर्म यानी हमारा कर्म है वो हमारा धर्म है,
और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है। और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है। और फिल्म जगत के लिए, सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए फिल्मिंग करने आए तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी एक बात, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो या कहीं पर भी, कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है। और इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है या लाइटमैन है या फोकस पुलर है या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग 60-70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं, मेरे साथ लोग सहमत होंगे, उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले। तो न केवल कलाकारों को, लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहाँ उसको तो काम मिलेगा ही, वो तो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर। बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा, क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है। तो वो अगर प्रशिक्षित हो, उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के तहत हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहाँ जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटोरियम कुछ अलग करके उनको, अगर क्योंकि वो बेसिक हैं, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहाँ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है ये जो भी बनेगा उसका, तो वो अगर प्राप्त हो तो कोई भी आके वहाँ, अगर स्टूडियो वहाँ बने भी तो भी इनकी बहुत आवश्यकता है, और वो समान रूप से वहाँ काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, धन्यवाद। थैंक यू। समय अब बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कुछ और जो प्रमुख लोग हैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में। जी नमस्कार महाराज जी, सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया। सुरोना सर के मरवर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है, बिकॉज मेरी मासी चाची बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फ़ैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वांट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है हम ज़रूर करें। राजपाल जी प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको, जगदीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है, सब बैठे मैं खड़ा हूँ। महाराज जी आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी, ठीक है। इसकी हजारों सब सिटी है, बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील अन्ना ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेज करण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग लगभग सिटी है
कॉरपोरेट सिटी है, नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रॉयल खंड बोलते हैं। अगर उसको धान गेहूं गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो, जैसा कि सुनील अन्ना ने बोला, तेज करण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज आज पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे जहां पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, गोरखपुर हमारे पास में आपकी जन्म, आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, पंतनगर एयरपोर्ट है और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना, वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है, अगर ये 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है और हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे ज़रूर ये विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए, हम लोग नोएडा के लिए, हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में जरूर रखना चाहूँगा, लेकिन खेती, क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा और जहां मधुमक्खियां जाती हैं, बिलीव करिए एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेके हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहिलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहिलखंड है, तो वो पतंग रोहिलखंड उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और 7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएंगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारी फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजकुमार संतोषी जी, तो आप, मुझे बड़ी हैरानी होती है जानकर कि यूपी जो डेस्टिनेशन बन गया है, सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, सब शूटिंग में जाते हैं, ये करिश्मा महारानी से आप ही ने कर दिखाया है, तो आपको बहुत बहुत आपके बारे में जो कुछ मैंने समझा है, सुना है, जाना है कि आप सिर्फ बात नहीं करते बल्कि एक बार सोच लिया, तय कर लिया, उसे अंजाम तक ले आते हैं, जिस तरह से यूपी को आपने क्राइम फ्री, क्योंकि हम सब इंडस्ट्री वालों को भी साथ देना होगा, सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि पसीना बहाना होगा, साथ में उनके साथ खड़ा होना होगा, तब जाके ये मुमकिन होगा, क्योंकि हमें पता है इसकी जरूरतें क्या है।